हमारा जो आज का टॉपिक कैलकुलेट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट। 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड कंक्रीट के अंदर कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट है वो आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं जितना सारा वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशियो ऑफ M25 ग्रेड कॉन्क्रीट। M25 का जो रेशियो होता है, नॉमिनल मिक्स जो रेशियो होता है, 1:1:2। इसका मतलब एक भाग सीमेंट के साथ, एक भाग सैंड के साथ, दो भाग एग्रीगेट। ठीक है, तो रेशियो ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट का रेशियो क्या है? 1:1:2। 1 M³ कंक्रीट मतलब 1 क्यूबिक मीटर जो कंक्रीट होता है वो वेट वॉल्यूम में है। ठीक है, जो कंक्रीट रहता है वो वेट वॉल्यूम में है, उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। जब वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका 54% इंक्रीज हो जाता है ड्राई वॉल्यूम में। तो इसीलिए क्या किया, वन मतलब 1 क्यूबिक मीटर × 1.54 हो गया। ठीक है, तो ये ड्राई वॉल्यूम कितना हुआ, 1.54 क्यूबिक मीटर। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है दोस्तों, 1440 kg/m³। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारा कैलकुलेट करने के लिए लगेगा। और साम ऑफ रेशियो जो M25 ग्रेड कंक्रीट दिया गया 1:1:2, इसका रेशियो को साम करेंगे तो देखिए 1+1+2 करेगा तो कितना आएगा, 4। तो अभी क्या करना है, ये जो सीमेंट दिया है, सैंड दिया है, एग्रीगेट दिया है, एक एक करके क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम लोग सीमेंट का क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है सीमेंट, देखिए दोस्तों ये जो ड्राई वॉल्यूम दिया गया इसका अंदर ही सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट है, तो इसमें एक भाग सीमेंट है तो 1 / 4 साम ऑफ रेशियो। ठीक है, 1/4 × ड्राई वॉल्यूम 1.54 × डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई 50। 50 क्यों किया ना, एक बैग सीमेंट का जो एक बैग सीमेंट इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 50 kg। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे ये जो आंसर आ रहा है 11.088, ये जो है बैग में है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1/4 × 1.54 ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा 1 क्यूबिक मीटर में आएगा, क्यूबिक मीटर में आएगा। उसके साथ जब डेंसिटी इंटू कर देंगे तो 1 क्यूबिक मीटर और 1 क्यूबिक मीटर क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, जो रहेगा कितना रहेगा, केजी में रहेगा। तो उसको जब 50 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है 50 kg, तो 50 kg दे के जब डिवाइड करेंगे वो बैग में आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्स कितना आ रहा है, 11 बैग। अभी कैलकुलेशन करेंगे सैंड, तो देखिए 1/4, 1 क्यों लिया, देखिए एक भाग सैंड है तो 1/4, 4 क्यों, साम ऑफ रेशियो इंटू 1.54 ड्राई वॉल्यूम जो दिया गया तो 1.54, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.385 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 0.385 क्यूबिक मीटर। लेकिन जो मार्केट में मिलता है, जो सैंड मिलता है, वो CFT में मिलता है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.3147 CFT। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 35.3147 CFT। तो इसके साथ
ये जो आंसर आया 0.385 क्यूबिक मीटर, इसके साथ जब 35.3147 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ रहा है, 13.596 CFT। ठीक है, 13.596 CFT, तो सेंट का वैल्यू कितना आया, 13.596 CFT। तो नेक्स्ट जो आ रहा है एग्रीगेट, देखिए एक भाग सीमेंट, एक भाग सेंट, दो भाग एग्रीगेट। तो एग्रीगेट करने के लिए 2/4, दो भाग एग्रीगेट है तो इसीलिए 2/4 इनटू जो ड्राई वॉल्यूम है 1.54। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है कितना, 0.77 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 0.77 क्यूबिक मीटर। तो इसको भी CFT में कन्वर्ट करना है तो इनटू 35.3147, तो करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 27.192 CFT। तो दोस्तों देखिए, एक क्यूबिक मीटर ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट का अंदर कितना सीमेंट सेंट निकाला, सीमेंट का वैल्यू जो निकाला 11 बैग, सेंट का वैल्यू 13.596 CFT, और एग्रीगेट का जो वैल्यू निकाला 27.192 CFT। तो दोस्तों इसमें से एक चीज़ याद रखना, एक क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.3147 CFT। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है दोस्तों, 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये जो चीज़ है, और वेट वॉल्यूम जो दिया रहता है, आप कुछ भी मोटर का, कंक्रीट का, कुछ भी जो वॉल्यूम निकालेंगे, वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ क्या होता है, 1.54 मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।